सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, ये लाल वाला बटन दबा के साथ में इस बेल वाले आइकन पे भी टच कर दें ताकि आप देख सकें न्यू वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, डी एच एडवाइज में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी ट्रेन की लाइव लोकेशन को कैसे चेक करें, कि उसकी लाइव स्थिति को कैसे पता करें अपने व्हाट्सएप के जरिए कि ये ट्रेन अभी कहां पर है और इस स्टेशन पर कितनी देरी में आएगी, कितने टाइम तक पहुंचेगी और वहां पर जिसका इसका लास्ट स्टॉप है वो वहां पर कितने समय से पहुंचेगी, कितने टाइम पर पहुंचेगी। तो आप सारी बातें, सारी जानकारी अपने व्हाट्सएप के जरिए पता कर सकते हैं और आपको इधर उधर कोई भी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी एप्लीकेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, ये नया नया फीचर सभी आया है, तो कोई भी इससे सीखे उससे पहले आप लोग सीख लीजिए कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। यार दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करते हैं और वीडियो को शेयर भी जरूर करते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले अपने फ़ोन के व्हाट्सएप में जाना होगा। तो चलिए, हम अपने फ़ोन में व्हाट्सएप ओपन कर लेते हैं। आपको व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर टच करना होगा, जो आपको ये दिख रहा है नंबर ऐड करते हैं तो यहाँ पे आप टच कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पर टच करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे एक नंबर ऐड करना, न्यू कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना होगा, तो उसके लिए आप यहाँ पर टच कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पर टच करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे एक नाम डालना होगा, वो नाम क्या है चलिए हम डालते हैं माई। तो आपको डालना होगा, मेक माई ट्रिप। जी हाँ दोस्तों, आप देख लीजिए, आपको सबसे पहले नाम सेव करना, किस नाम से नंबर सेव करना तो आप डाल लीजिए मेक माई ट्रिप। उसके बाद आपको यहाँ पर नंबर डालना होगा, तो चलिए नंबर वो कौन सा, ये नंबर आप देख लीजिए, आपको राइट नंबर डालना। यदि आप नंबर गलत डाल देंगे और नंबर आप गलत सेव कर लेंगे तो आप लाइव लोकेशन नहीं देख पाएंगे, नहीं चेक कर पाएंगे। तो चलिए, आपको नंबर क्या डालना है जानने के लिए डाल लेते हम नंबर, तो आप देखते रहिए। उसके बाद आपको यहाँ ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद आपका ये नंबर सेव हो चुका है। सेव करने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको अपना व्हाट्सएप रिफ्रेश कर देना होगा। तो आपको करना क्या, यहाँ पे तीन बिंदु दिख रही है, इस पर जाएंगे। जैसे आप इस पर जाने के बाद आपको रिफ्रेश कर देना होगा। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से सर्च कर लीजिए। आपको यहाँ पर डालना क्या, जिस नाम से आपने सेव किया था। तो चलिए, ये मेरा नंबर आ चुका है। तो मैं ऑलरेडी एक दो ट्रेनों का पता लगा चुका हूँ, तो देख लीजिए लाइव लोकेशन चेक कर चुका हूँ। तो चलिए, हम आपको किसी भी ट्रेन का एक लाइव लोकेशन दिखा देते हैं। तो सभी सबसे पहले हमें एक ट्रेन है जिसका नाम है देवगढ़ एक्सप्रेस। तो इसका ट्रेन नंबर है 12-6। ये इसका ट्रेन नंबर। तो आपको ट्रेन नंबर डालने से पहले उसके आगे आपको करना क्या, यहाँ पर टाइप करना होगा लाइव और स्पेस देना होगा। आप लाइव स्पेस देने के बाद यहाँ से आपको सेंड कर देना है, ठीक है। सेंड करने के बाद तो देख लीजिए, आज इसकी ट्रेन की टोटल डिटेल आ चुकी है। तो अभी ये ट्रेन कहाँ पर है और किस स्टेशन पर कितने टाइम तक पहुँचेगी, कितनी लेट है, ठीक है। जो इसका लास्ट स्टेशन है वो गाजियाबाद है, ठीक है। तो उसके बाद ये ट्रेन कहाँ पर है, अभी ये ट्रेन है मुरादाबाद, ठीक है। तो मुरादाबाद ये आपकी पहुँचेगी, ठीक है, देख लीजिए आप, जो 12:10 पे आपकी मुरादाबाद पहुंच जाएगी। उसके बाद आपके लिए बरेली निकलेगी, बरेली आपका इस टाइम पे पहुंचेगी, ठीक है। उसके बाद लखनऊ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ट्रेन की लाइव लोकेशन, देख सकते हैं कि ये ट्रेन कहाँ पर है अभी इस टाइम, किस स्टेशन पर है और जो किस स्टेशन पर कितनी देरी से पहुँच रही है और कहाँ पर। तो चलिए, हम आप सेकेंड ट्रेन, कोई दूसरी ट्रेन भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहां से सेंड कर देते हैं सिंपली। जी हाँ, देख लीजिए, अब जो ट्रेन नंबर मैंने ये डाला है, इस ट्रेन की सारी डिटेल आ चुकी है। तो इसका जो ट्रेन डिपार्टमेंट यस हो चुका है, लास्ट स्टेशन एमटी है, रनिंग लास्ट यस, ठीक है, बाय एक मिनट बाद यहां से रनिंग, ठीक है। तो आप यहां से टोटल डिटेल देख सकते हैं, यह कहां पर कितनी देरी से पहुंचेगी। तो आप यहां से टोटल सारी डिटेल निकाल सकते हैं कि इस स्टेशन पर कितनी देर में आने वाली है और कितनी लेट है और उस स्टेशन पर कितनी देर में आने वाली है और आप जिस स्टेशन पर वेट कर रहे हैं तो उस स्टेशन पर कितनी देर में आने वाली है। तो आप अपने व्हाट्सएप के जरिए लाइव लोकेशन देख सकते हैं, ट्रेन की लाइव स्थिति को देख सकते हैं और आपको इधर उधर किसी एप्लीकेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करते हैं और वीडियो को शेयर भी जरूर करते हैं दोस्तों, ताकि मैं आप लोगों के लिए न्यू